तो बच्चों अब करते हैं हम 28th क्वेश्चन। और 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 28th क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू ₹25 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज फॉर बोथ इज 5% पर एनम। राइट, अब रेट दे रखा है मुझे दोनों के लिए। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस किसके साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ, और जो भी इसका डिफरेंस है ना 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, वो कितना है, ₹25 है। राइट, मुझे ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना, मुझे प्रिंसिपल नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन, मुझे सिर्फ रेट गिवन है जो कि है 5%। राइट, तो सबसे पहले ना मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ। देखो एसआई कैसे निकालूंगा, एसआई क्या होता है बच्चों, PRT/100। ओके, अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल मेरे को है नहीं तो मैं पी लिख देता हूँ, रेट मुझे पता है 5%, टाइम देखो बच्चों 2 साल के लिए, तो मैं 2 लिख लूंगा अपॉन 100। राइट, तो ये हो जाएगा बच्चों सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा P×10/100, 10 से 10 कैंसिल, तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना बच्चों, वो कितना हो गया बच्चों मेरे पे, वो हो गया P/10। कितना हो गया P/10, देखो एक चीज़ तो आ गई, मैंने टिक मार दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों सीधे आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों सीधे, प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर N-1। देखो वही होता है ना जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में, देखोगे आप इसके तो आपको पता चल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और दोनों पे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपका मैंने आपको बताया था कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर N, और फिर मैं माइनस करूंगा प्रिंसिपल, तो पी पी मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। तो सीधे पी मेरे पे है नहीं, मैं पी लिख लेता हूँ, 1+5/100 की पावर N-1। राइट, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं निकाल लूंगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 105/100 की पावर 2, 2 साल के लिए ना -1। अब बच्चों मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। राइट, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पेज, पेज बहुत है, टेंशन की बात नहीं है, है ना। तो देखो मैं अब यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों ये हो जाने वाला है पी 105/100 की पावर 2-1। राइट, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अरे यार ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों पी, ये काटूंगा तो ये हो जाएगा 5×2=5। देखो ये 21/20 का स्क्वायर -1। राइट, तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा बच्चों कितना, 4×4=4400-1। अब मैं एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा देखो बच्चों इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा पे 4×4=400/400। राइट, ये एलसीएम लेकर मैंने आ गया, तो बच्चों देखो कितना आ गया, पी आ गया बच्चों मेरे पे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना 41/400। राइट, तो ये हो जाएगा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया मेरे पे वो कितना आया बच्चों 41P/400, ये मेरे पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब देखो बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैं आ जाता हूँ इस पे, तो देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूँ तो ₹25 आएगा। तो देखो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 25। अब मैं इससे मेरा प्रिंसिपल आ जाने वाला है, तो देखिए मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट था मेरा 41P/400, सिंपल इंटरेस्ट था मेरा बच्चों P/10=25। देखो मैं अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों 400 है ना, ये आ जाएगा हाँ 400, तो ये आ जाएगा 400P माइनस ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये जाएगा बच्चों कितना 40P=25। राइट, तो ये हो जाएगा, मैं इसको इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 41 से 40 जाएगा तो कितना होगा बच्चों P=25×400।
तो बच्चों पी जो आ जाने वाला है मेरे पे, राइट, तो ये जो आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8 9 10, 1 2, तो बच्चों ये आ जाने वाला है मेरे पे प्रिंसिपल। कितना इजी था ये, तो बच्चों देखो कितना इजी प्रिंसिपल मेरा आ चुका है। तो देखो आपने समझ गए होंगे, जब आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे ना तो बहुत ही प्यार से करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 25 था, मेरे को प्रिंसिपल नहीं गिवन था, तो मैंने सिंपल लॉजिक लगाया 2 साल के लिए, और कितना ईजिली आ चुका है बच्चों। तो बच्चों आपको भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।